एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस, गुड इवनिंग। अभी इवनिंग का टाइम हुआ है और मेरा आज नवरात्रि का पहला दिन का व्रत है। मेरा 3 दिन का व्रत रहता है, आज मेरा पहला दिन है, नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। सो मैं आज अभी व्रत का जो फलाहार होता है वही बनाने जा रही थी। तो मैंने सोचा आज कुछ नया ट्राई कर रही थी, नई रेसिपी बनाने जा रही थी, पहली बार मैं भी बना रही हूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है, तो मैं वही अभी बनाने जा रही हूँ। तो दिखाती हूँ कि बना क्या रही हूँ। तो बना रही थोड़ा सा अलग टाइप से और अलग तरीके से बना रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, इसीलिए मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट किया है। वैसे तो मैं नहीं करती, लेकिन थोड़ी अलग रेसिपी थी इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बनाते कैसे हैं और बना क्या रहे हैं ये आप लोगों को दिखाते हैं। चलो दिखाते हैं बैक कैमरे से और बताते हैं कि क्या बन रहा है। ये है एक नई रेसिपी। तो ये है साबूदाना, मखाना और मूँगफली। इन सबको मैंने भून कर रख लिया ठंडा होने के लिए, ये ठंडा हो जाएगा। और ये आलू बॉईल करके मैंने रख लिया है ठंडा होने के लिए, अभी बॉईल किया है, अभी ठंडा हो जाएगा। ये ठंडा हो गया है तो चलो इसको बनाते हैं कि कैसे बनाना है ना। इसको ग्राइंड करना है अभी, तो इसको ग्राइंड कर लेते हैं पहले, उसके बाद में दिखाते हैं फिर उसके बाद इसमें क्या पड़ेगा, क्या क्या ऐड करेंगे। चलो इसको पहले ग्राइंड करके दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये पाउडर बन के रेडी हो गया है, मखाना, मूँगफली और साबूदाने का। तो ये थोड़ा दरदरा सा है और इसमें अब आलू मिक्स करेंगे, मसाले मिक्स करेंगे। ये आलू इसी में मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने पहले दिखाया नहीं, इसमें पानी डाल डाल के अच्छे से इसको गीला करेंगे, अच्छा खासा पानी इसमें लगता है क्योंकि साबूदाना बहुत पानी सोखता है। इसको सिर्फ गीला कर लेंगे, एकदम बैटर बनाना है। एक फिर जितना पानी सोखे उतना सुखा दीजिए, थोड़ी देर के लिए रख दीजिए ताकि और अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए पानी। और आलू मैंने मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें ज्यादा मसाले नहीं लगते क्योंकि अपने आप में इतना स्वादिष्ट है, सब सोना सोना चीज इसमें डाला हुआ है, जैसे कि डाल देंगे तड़का। घी में जीरा राई का तड़का लगाएंगे, धनिया पत्ती और धनिया पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी सी धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे, व्रत वाला नमक। नमक इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये और भी टाइट हो गया है क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला है साबूदाना बहुत पानी सोखता है, तो पानी पूरा अब्सॉर्ब कर लिया है, तो और पानी डालेंगे इसमें, इसको गीला करेंगे। इसको हम बनाएंगे अप्पे के सांचे में ताकि अप्पे में अच्छे से बन पाए और हम अच्छे से उसमें बैटर रख पाए चम्मच से। तो इतना गीला करेंगे अप्पे, जैसे अप्पे बनता उस टाइप से इसका बैटर कर लेंगे। इसमें 3 गिलास पानी सोखा है और मैंने नाप के नहीं लिया था कुछ भी, सब अपने अंदाज से बनाया मैंने। इसमें 4 लोग खा सकते हैं, तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, ये 4 लोगों के लिए मैंने बनाया है और ये 4 लोगों के लिए काफ़ी है।
आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कितना कम ज़्यादा करना है, उस हिसाब से पानी भी कम ज़्यादा हो जाएगा। इसके ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बैटर डाल देंगे। इसको ढक देंगे, लो मीडियम में पकने देंगे। ये दो दो प्रकार से बना रहे हैं, एक अप्पे स्टाइल में और एक बना रहे उत्पम स्टाइल में। तो उत्पम वाला अभी नहीं पलटा है मैंने, देखते हैं पलटता कैसे। और ये तो पलटा के एक बार सीखने के लिए रख, एक बार पलट जाए तो अच्छा रहे यार। ये टूट जाता है, ये ठीक ठाक नहीं है, वैसे ही बन। ये हो गया बन के रेडी, तो हम इसको अब बंद कर देंगे और निकाल लेंगे, अब दूसरा रखेंगे। बनके नई रेसिपी तैयार है, व्रत वाले अप्पे, टमाटर की चटनी, इसमें नारियल की भी चटनी बना सकते हैं, सेवफल, केला, ये तो मैंने रख लिया है और यही मैंने आज बनाया है। सो आप देख सकते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ना ही तेल है ज़्यादा और टेस्टी एकदम एक नंबर। हम कर लेते हैं फलाहार, थाली लग चुकी है और फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। अभी बच्चे खेल रहे हैं बाहर, अभी भी आए हैं। तो सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।